दोस्तों आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप YouTube में वीडियो बनाते बनाते थक गए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो और आपका जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मतलब जो भी आप वीडियो बना रहे हो बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, लेकिन आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपका वॉच टाइम नहीं कम्प्लीट हो पा रहा है और आखिरी में फिर आप डिमोटिवेट होकर अपना वीडियो बनाने का जो आपका सपना है वो आप खत्म कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि यूट्यूब से आपको कोई भी कमाई नहीं होने वाली, यूट्यूब में आपका कोई भी करियर नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपकी यहाँ पर गलतफहमी दूर करती हूँ और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, सिर्फ एक ट्रिक। इससे आपका जो यूट्यूब है एकदम रॉकेट की तरह ग्रो करने लगेगा और आपके जो जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। तो मैं ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचू, सिर्फ उस ट्रिक पे आपको ले जाती हूँ जो आपको अपने वीडियो में करनी है। तो देखो दोस्तों, वीडियो तो आप सभी लोग बनाते हो और आप YT स्टूडियो भी यूज करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है YT स्टूडियो को। आप जो भी वीडियो बनाते हो उसके एक दो घंटे बाद आप अपना YT स्टूडियो ओपन करो और फिर चेक करो कि आपका जो वीडियो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आप चेक करो अपने वीडियो का इंप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, एनालिटिक्स में जाकर आप वीडियो ओपन करो, जो भी आपने वीडियो अपलोड करी उसके बाद आप उसके इंप्रेशन वाले ऑप्शन में जाना। इंप्रेशन वाले ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा है लेकिन आपके व्यूज बहुत कम है, मतलब कि इंप्रेशन तो आपके अच्छे पड़ रहे हैं लेकिन आपके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपका जो वीडियो का थंबनेल है उसमें दिक्कत है। क्योंकि इंप्रेशन का मतलब होता है कि यूट्यूब आपकी वीडियोस लोगों को रिकमेंड कर रहा है। जब भी कोई यूट्यूब ओपन करता है तो उनका आपका वीडियो दिखाई देता है, भले ही वो उनकी यूट्यूब की होम पेज हो उसमें हो या फिर सजेस्टिंग वीडियो में आपका वीडियो आ रहा हो, मतलब वो कोई और वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपका वीडियो आ रहा हो, मतलब जो भी है यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंड तो कर रहा है, लोगों को इंप्रेशन दे रहा है कि ये एक वीडियो है, लेकिन लोग उस वीडियो को क्लिक नहीं कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो में कुछ नहीं होगा और बिना देखे बिना क्लिक करे ही दूसरी चीजों में चले जा रहे हैं और आपका वीडियो क्लिक नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि यूट्यूब को ये इंप्रेशन मिलता है कि इसकी जो वीडियो है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, तभी लोग इसको नहीं देख रहे हैं, तभी लोग इस वीडियो को क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो क्या करता है, धीरे धीरे वो यूट्यूब इंप्रेशन देना भी बंद कर देता है, इस वजह से आपके इंप्रेशन व्यूज सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सिर्फ ये करना है कि आपको अपना यूट्यूब का जो भी वीडियो आप बना रहे हैं उसका थंबनेल इतना ज्यादा इंप्रेसिव बनाइए, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइए कि जो भी यूजर उसको देखे, एक कवर कहते हैं ना कि एक बुक का कवर या जो भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप उस फर्स्ट इंप्रेशन को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और इतना ज्यादा अपीलिंग बनाइए कि लोग उसको बिना क्लिक करें उस वीडियो को छोड़े ना, मतलब उसको क्लिक करें ही करें और उसके बाद वीडियो तो आपकी ऑब्वियसली अच्छी है तो आपके अगर इंप्रेशन के साथ साथ आपके व्यूज भी अच्छे आएंगे तो आपका जो वीडियो का वायरल होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपकी वीडियो हर वीडियो आपकी वायरल होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इस ट्रिक को आप जरूर अपनाइए और अपने जो थंबनेल है उस पर वर्क कीजिए। आप देखिए कि और जो यूट्यूबर्स हैं जो कि आपके टॉपिक पे आपके जैसे टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं उनके थंबनेल कैसे हैं, उनके व्यूज इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके थंबनेल में ऐसी बातें हैं जिस वजह से उनके इंप्रेशंस और व्यूज अच्छे आ रहे हैं। तो आप अपने इंप्रेशन के साथ व्यूज भी सुधार सकते हैं, इससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपका जो यूट्यूब है वो ग्रो करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।